ब्रिज। अभी सी बीच पे थे, थोड़ी देर सी बीच पे रहने के बाद अभी आपको रोलर कोस्टर राइड की सैर करवाते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉड्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया गया है। सो द बेस्ट वे कि जब वेव्स आ रही हैं तो आप वहाँ पर रुक जाओ। तो देखो वेव्स आ रही हैं, देखो वेव्स आ रही हैं। This is amazing, yeah. This is amazing. From this pole to that pole, there is nothing in between. So you need to be very careful. Lehrati hui nagin. ये जो रॉक है, अभी मुझे नाम इसका पता चला, इस रॉक का नाम है सेंटरा रॉक। तो इसको सेंटरा बीच कहते हैं, दिस इज सेंटरा बीच, और इसीलिए इसका नाम इन्होंने सेंटरा रॉक रख दिया है। जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे जेम्स बॉन्ड रॉक है, उसी तरह ये रॉक है वर्टिकली। तो सेंटरा है ये, इस कॉर्नर से स्टार्ट होके, देखो ये कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है एंड इस कॉर्नर तक एंड हो रही है। फिर से दिखाता हूँ, और देखो बीच कुछ नहीं है। इसके बाद फिर ये सारे माउंटेंस ही हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड इट गोज लाइक दिस। सो होल एंड सोल इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट बीच। वाओ, देखो पत्थरों के बीच में केव्स, मतलब आर पार नहीं है, शायद वहाँ से पत्थर गिरे हैं या कैसे, कुछ कुछ तो लटक भी रहे, लटके हुए हैं। वाओ, आप बीच समुद्र में हो, यू आर यहाँ पे, कितनी यहाँ ज़्यादा डीप नहीं होगी बट एटलीस्ट बच्चा थोड़ा भी डरा नहीं। ना आपको यहाँ पे एक मंकी ट्रेल है, मंकी ट्रेल ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ओ गॉड, लेट ये सीढ़ियाँ 10 मिनट की वो है, 10 मिनट में आप पहाड़ की दूसरी तरफ रहोगे। सो दिस इज वुड, ऐसा नहीं है कि सीमेंटेड है, दिस इज कम्प्लीटली वुड, यू हैव टू वेरी केयरफुल। यहाँ बस रुका हूँ मैं आवाज़ सुनाने के लिए, शांति से सुनो आवाज। Thank you.
सो आपके लिए मैंने जल्दी टाइम लैप्स में ये वीडियो दिखा दिया, लेकिन था काफ़ी लंबा। और यहाँ पे ये फिनिश होता है, आपको टुक टुक की अपनी सवारी मिल जाएगी और यू कैन गो टू एनीवे। सो लुक, मैं बता रहा था ना ये नेशनल पार्क का ही है, सो यू आर एंटरिंग और नेशनल पार्क जहाँ से मैं अभी आया हूँ, इट्स अ नेशनल पार्क एरिया। सो उस जगह से आपको यहाँ से टुक टुक मिल जाता है टू गो टू AO9, और ये पब्लिक बीच आ गया। कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, आई थिंक उस तरफ कहीं पे पियर है, जो पियर मीन्स जहाँ से बोट पकड़ते हैं। ये जो रॉक देख रहे हो, ये वाला जो मेरे हाथ के सीधे में है, ठीक है, ये जो ऊपर से आ करके आप देख रहे हो, ये जो नीचे ये जो आया हुआ है, बस इस रॉक के कारण सेंटर ग्रैंड पैदल नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू यूज़ दिस मंकी ट्रेल। यहाँ से फिर मंकी ट्रेल स्टार्ट हो जाता है, यहीं से मैं आया था। लोगों ने ऐसी जगहों पर नहीं छोड़ते हैं, देखो बोतल, कांच की बोतलें, प्लास्टिक सब कुछ फेंक रखते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इतनी सुंदर जगह नहीं मिलेगी, लोग पता नहीं ये कचरा क्यों फेंकते हैं। अभी मुझे यहाँ के पता चला कि यहाँ पे खेत के पास एक माया बीच है, माया बे, जो पिछले 3.5 साल से बंद है। 3.5 साल यानी कि उसमें से 2 साल तो कोविड के कारण ही था, लेकिन उससे पहले भी 1.5 साल से वो बंद ही है। उसका कारण ये है कि ये सारे जो बीच थे, ये नेशनल पार्क और पहले नेशनल पार्क के पार्ट है, वहाँ पे इतने टूरिस्ट आ गए कि जो नेचुरल वहाँ का जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कंजर्व नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट ने 20 साल के लिए वहाँ पे टूरिस्ट को बैन कर दिया, और 1.5 साल के बाद मतलब कि वहाँ पे वो कोविड का सिचुएशन हो गया, तो वो अभी 3.5 साल हो गया। और इनफैक्ट वो 3.5 साल छोड़ दूँ, अभी भी इतने टूरिस्ट हैं कि वहाँ पे स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग वगैरह बंद है अभी भी। तो आप सिर्फ जा सकते हो बीच पे और कुछ नहीं। सो हम नहीं गए क्योंकि और वहाँ कुछ करने लायक था नहीं, लेकिन ये एक अच्छा डिसीजन था कि आप नेचर को भी कंजर्व करो, नहीं तो इतने टूरिस्ट आते हैं, अगर आप कंजर्व नहीं करोगे तो फिर उस चीज़ को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो प्लीज़ जो भी यहाँ आ रहे हैं, ये कचरा ना फेंके। आ गए वापस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट थका देता है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लकड़ी के स्टेप्स हैं, अगर ध्यान से नहीं चलोगे तो गिरने का बहुत डर है, क्योंकि 2 स्टेप के बीच में आपने देखा था स्पेस था, उसमें पाँव फंसने का डर है। सो लेट्स गेट बैक टू रूम।